हम झारखंड वासियों के अच्छे दिन आ गए हैं। बड़े बड़े नेता चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करते हैं, जिसमें पानी, बिजली, सड़क और विकास की बातें की जाती है। आइए मैं आपको इचा गुट्टू रंदा टोली की विकास की तस्वीर दिखाती हूँ। इस गांव में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना से गांव में विद्युतीकरण के नाम सिर्फ तार लगाया गया है और ट्रांसफार्मर नहीं लगाया गया है, और 11,000 का वोल्ट के तार से गांव के तार में कोई कनेक्शन नहीं है। मगर गांव वालों के अच्छे दिन आ गए हैं, उन्हें बिना बिजली के कनेक्शन का बिल देने की नौबत आ गई है। हमारा गांव में 1.5 साल हो गया, अभी तक ट्रांसफार्मर और बिजली नहीं जलाए हैं। इस ट्रांसफार्मर होने के कारण हम लोग को बहुत कठिनाई दिक्कत पड़ रहा है गांव में। तार नहीं लगा हुआ, आधा दूर तक तार है ये नहीं है गांव में, कल तार लगा हुआ है। पैसा 200-200 चांदा किए हैं सब ट्रांसफार्मर खरीदने के लिए, तो बिजली नहीं आ रहा है, क्या करेंगे। इस गांव में कितने घर परिवार हैं? इस गांव में 50 घर है। लाइनों न खे हर हमार बिजली बिल आ है, तो हमरे कैसन कर अब, कहाँ का हो अब, तो के हमें तनिक सोचे विचार है। कितना बिजली बिल आ है? 855। एको दिन निजो री न बाई री न देखी और कल खे बिजली बिल दे। मैंने इस मुद्दे पर वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि गांव के लोगों को बिजली विभाग द्वारा हर महीना बिजली बिल दिया जा रहा है। पैसे की कीमत तो सभी जानते हैं, और इन गरीब बीपीएल परिवारों को 857 रुपया का बिल आया है, जो कि बहुत ही गलत है। अतः इनका बिजली बिल माफ़ हो जाए और गांव में बिजली कनेक्शन होने के बाद ही बिल आए। इस संबंध में संबंधित पदाधिकारी बिजली विभाग के SDO कामडारा, जिसका नाम है नवीन कच्छप, का मोबाइल नंबर 9471324596 है। अतः आप सभी वीडियो देखने वालों से मैं अपील करती हूँ कि ऊपर दिए गए नंबर पर कॉल कर सहयोग करें, ताकि इस समस्या का समाधान हो। मैं शांति कुमारी बड़ाई की, प्रखंड कामरा, जिला गुमला, झारखंड से, इंडिया अनहट के लिए।